नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बीए विच इकोनॉमिक्स इलेक्टिव पंजाबी फिजिकल एजुकेशन पढ़ी हुई है, रिपीट हो रहे हैं, तुम यूनिवर्सिटी नहीं दस दे, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तुहाडा बनेगा फिजिकल एजुकेशन ते पंजाबी, पंजाबी नू नहीं छड़ना टी जी टी लिए, इस तरह बिना एडिशन तो एलिजिबल हो। दूसरा बनता है इकोनॉमिक्स ते पंजाबी, इकोनॉमिक्स मेजर माइनर पंजाबी, इत्थे कोई भी एडिशनल नहीं देना पैंदा, इकोनॉमिक्स लिए एम ए पंजाबी करनी पैनी है, सॉरी एम ए इकोनॉमिक्स करनी पएगी। जे तुसी पंजाब यूनिवर्सिटी च हो, पटियाला यूनिवर्सिटी च हो, तो एस एस टी तुहानू मिल जाएगा, फिर नाल एडिशनल करना पएगा या बाद विच एडिशनल करना पएगा बी ए दा। फॉर एग्जाम्पल तुहानू हिस्ट्री करना पए, हिस्ट्री ही देना है, केंद्र ते राज विच दोनों विच पंजाब विच एलिजिबल हो जाओगे, ये तुहाडे बनते ने। सो कॉम्बीनेशन दैट इज़ ऑल। नैक्सट है हिस्ट्री इलैक्टिव पंजाबी कंप्यूटर एप्लीकेशन, केड़ी यूनिवर्सिटी है एम ए की है, मेरे लिए टी ई टी लिए बेस्ट कॉम्बीनेशन है, जो मैं पेपर ना देना पवे ऑल स्टडी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, मैं दसो कि कोई एडिशनल पेपर देना होए तो। इसका जवाब मैं दे चुका हाँ दूसरे वीडियो विच, अगे चलते हाँ। यस, क्योंकि पी एस टेट ले आई विल एलिजिबल पंजाब पेपर की तैयारी है ना, ये मैं दे चुका हाँ। सर जी डेट दस दो कदों तक है सब्जेक्ट ते कॉलेज सिलेक्ट करन दी, प्लीज़। 18 तक तुसी सिलेक्ट कर लो, 18 अगस्त तक फिल कर दो, ओके। नेक्स्ट है एरिया, इस दे क्वेश्चन हन इस वीडियो दे एरे, सर मार्क्स 6th सेम दे नहीं आए, कोई गल नहीं, जेकर नहीं आते तो तुसी सैकेंड काउंसलिंग विच बैठ के तुहाडे लई वेट की जाएगी। सैकेंड काउंसलिंग 31 अगस्त तक तुहाडी डेट दी गई है, तुसी उस तो तक वेट कर सकते हो। जे नहीं है तो तुहाडे नाल नैचुरली इनजस्टिस है, लेकिन यूनिवर्सिटी इस नूं वधाएगी किसी ना किसी तरीके ना। दे आलवेज डिले एज यूजुअल है मार्क्स फिलिंग, आई रोड टू गुरु नानक देव बट नो सैटिस्फैक्टरी रिस्पोंस हैज बिन रिसीव, प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू। कोई गल नहीं, तुसी फिक्र ना करो, तुसी कल्ले नहीं हो, बड़े अजिहे केस ने नैचुरली है, जे गुरु नानक देव जां पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी ने नहीं कढ़िया रिजल्ट, तां काफ़ी स्टूडेंट्स इस तरह होणगे, सफर नहीं होणगे, सीट मिल जाएगी तुहाडे लई, प्रोविजन होएगी जां तुहाडे लई डेट एक्सटेंड होएगी, नहीं तो सैकेंड काउंसलिंग हजे तक तुहाडे लई साह बाकी है, सो घबराउण दी जोर नहीं है। सर ग्रेजुएशन विच रीड मोर, मैथेमैटिक्स पोलीटिकल साइंस फिजिकल एजुकेशन पढ़िया हुआ है, एक ही पढ़ लिया, प्लीज़ सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन मेरा ग्रेजुएशन गुरु नानक देव, शाबाश राजे, आई ये बहुत वधिया किया, जिहड़े ये बच्चे करते ना मैनू बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि काम सौखा हो गया। हुण तुहानू मिलता है मैथ्स के नाल पोलीटिकल साइंस नहीं मिलती, फिजिकल एजुकेशन भी नहीं मिलती, मैथ के नाल लैंगुएज ही लैनी पएगी, इंग्लिश या पंजाबी, इंग्लिश लेंदे हो जां पंजाबी लेंदे हो तां तुहानू इस दा बी ए दा एडिशनल देना पएगा, और पंजाबी दा भी इस तरह देना पएगा, ठीक है। मैथ नाल पोलीटिकल साइंस नहीं मिलती, दूसरा कॉम्बीनेशन तुहाडा पोलीटिकल साइंस ते लैंग्वेज भी बनता है, और फिजिकल साइंस ते पोलीटिकल साइंस भी कितने मिल सकता है, पर सोशल साइंस होंगी है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी चो, अदरवाइज तुहानू पोलीटिकल साइंस की जगह एस एस टी मिल जाना सी। सो तुहानू इह तिन्नां विचों एक मेजर चुनना पैना है, जिहदे विच चुनण दा तरीका तुहानू दस दिंदा हाँ कि टी ई टी विच एक वीडियो पावांगा जिस विच जिहड़ा होएगा रिलेशनशिप बिटवीन यूअर सबजैक्ट चॉइस एंड टी ई टी, उन्होंने एक बार जरूर देख लेना, उदे विच तुहानू 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हां दे विचों 60 जिहड़े होने ने क्वेश्चन, जे तुसी मैथ्स चुनते हो तो ये होणगे, जे तुसी फिजिकल एजुकेशन चुनते हो तो ये होणगे, है ना, जे तुसी सोशल साइंस चुनते हो तो ये होणगे, पर वो पी एस टेट लई इन्नियां हन, जे सी टेट दिंदे हो तो सिर्फ दो डिवीजन हैं, सोशल सोशल साइंस और साइंस एंड मैथ्स। सो वो तुसी 60 क्वेश्चन की तैयारी जी है 45 क्वेश्चन प्योर ये होने हैं कि मैथ तो साइंस दे पाओगे, उस चंगी तरह कर लोगे, अच्छे मार्क्स ले लोगे, प्लस फिर सिलेक्शन टेस्ट प्योर मैथमैटिक्स का कंप्लीट कर पाओगे, तुहानू इस तरह लगता है तो फिर मैथ नू लियो, अदरवाइज तुसी पोलीटिकल साइंस पी जी टी है तो स्कोप घट है, घट बनेगा, फिजिकल साइंस है इसका भी स्कोप घट है, लेकिन कोई वाधू टेस्ट नहीं देना पेगा, पर दूसरा नाल ही तुसी लैंग्वेज भी लै रहे हो ना, वो भी एलिजिबल बन रहे हो, सो घबराना नहीं है।
मैडम मैं रिप्लाई किया है तो किस वीडियो च है मैनू नहीं पता, मैनू 100% याद है। तुसी पोलीटिकल साइंस ऑनर्स हो, मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर, आई वॉन्ट टू चूज इंग्लिश एज ए मेजर। नहीं लै सकते तुसी मेजर, नहीं लै सकते, मास्टर इन इंग्लिश है ना, ऑनर चाहिए है, एच चाहिए है, फिर तुसी लै सकते हो। मैनू ये दसो कि जो ये माइनर होएगा तो कोई घबराने वाली गल नहीं है, माइनर होएगा तो फिर भी गवर्नमेंट जॉब मुताबक तुसी इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी है ना कि नहीं, मास्टर इंग्लिश है, इलेक्टिव इंग्लिश जे पढ़ी है, जे इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी है तो माइनर है लिया होया तो फिर भी तुहानू ये गवर्नमेंट जॉब लिए लैके जाता है और मेजर के बिल्कुल बराबर है और टी जी टी लिए एलीजिबल हो। और जे एम ए इंग्लिश मास्टर इन इंग्लिश की हुई है, इतने भी पढ़ी हुई है, फिर पी जी टी इंग्लिश लिए भी एलीजिबल हो। सो क्यों इस पेंदे हो कि मेजर है कि माइनर है? हाँ, तुसी बी ए च इंग्लिश इलैक्टिव नहीं की हुई, फिर तुहानू इलैक्टिव इंग्लिश का देना पेगा। सो तुसी पोलीटिकल साइंस मिलेगा, तुहानू पोलीटिकल साइंस ते इंग्लिश का कॉम्बीनेशन तुहाडा बनेगा। बाकी किहड़े सब्जेक्ट पढ़े ने ये डिटेल्स नहीं दस्या, नहीं तो मैं अगे भी गाइड कर दिंदा। सर हाई कोर्ट की तरफ से बी एड कोर्स रिगार्डिंग न्यू डिसीजन लिए गए हैं, क्या ये पंजाब में भी लागू हैं? मैं इनको स्टडी करके बता दूंगा, मैंने स्टडी नहीं किए, अगर हुए तो ज़रूर बताऊँगा, है ना। लैंग्वेज सर जनरल पंजाबी पढ़ी है, कोई एडिशनल देना पड़ेगा? यस देना पड़ेगा, जनरल पंजाबी इलेक्टिव पंजाबी का तुहानू एडिशनल पेपर देना पैना है बी ए का, 3 साल का, नालों नाल बी एड दे भी दे सकते हो। सर मेरे को बी ए च हिस्ट्री पोलीटिकल साइंस फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, मेरा कॉम्बीनेशन की बनेगा? तुहाडा कॉम्बीनेशन बहुत अच्छा जिहड़ा बन रहा है, ये बन गई तुहाडी एस एस टी, बिल्कुल इनू नहीं छड्डना, और कोशिश बहुत घट कॉलेज होणगे जिथे एस एस टी ते फिजिकल एजुकेशन तुसी लैंदे हो। क्यों ये सुजैसट किया है? कोई भी एडिशनल पेपर नहीं देना पेगा और टी जी टी लिए तुसी ये नहीं देना पेगा, टी जी टी लिए तुसी एलीजिबल हो, गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल हो, एस एस टी लिए भी और फिजिकल एजुकेशन लिए। हाँ, तुसी स्कोप वधाना है कि फिजिकल एजुकेशन दी पोस्टां घट होंदियां हन, फिर तुसी इंग्लिश जां पंजाबी चूज कर सकते हो, पर फिर तुहानू एडिशनल देना पएगा बी ए दा इलैक्टिव इंग्लिश जां पंजाबी दा। ओके, नैक्सट है सर मैं बी ए सोशियोलॉजी कंप्यूटर मैनेजमेंट सब्जेक्ट किया है, प्लीज़ दस दो कॉम्बीनेशन केड़ा रहेगा? हाँ, थोड़े यूनिवर्सिटी नहीं तुसी दसी, यूनिवर्सिटी दसनी सी। फॉर जी एन डी यू विच हो तो तुहानू सोशियोलॉजी का कुछ नहीं मिलना, तुहानू कंप्यूटर का ही नाल लैंग्वेज लैनी पैनी है, सॉरी कंप्यूटर लैंग्वेज तुहाडा ही बनेगा। और लैंग्वेज जिहड़ी भी लोगे, मान लो इंग्लिश लेंदे हो, उसका बी ए का तुहानू एडिशनल देना पैना है, नाल नाल भी दे सकते हैं, बी एड के बाद भी दे सकते हैं, फिर तुम टी जी टी गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल हो जाओगे। इधर कंप्यूटर लिए टी जी टी जॉब लिए तुम एलीजिबल हो। सोशियोलॉजी सिर्फ पी यू चंडीगढ़ तो पी यू पटियाला विच है, ठीक है, इन्हां दोनों यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी दी नाल तुसी उत्थे एस एस टी भी लै सकते हो, पर नाल एडिशनल फिर हिस्ट्री का तुहानू देना ही पैना है बाद विच जां नाल गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल होने। जे सोशियोलॉजी भी प्योर लैना है फिर भी इन्हां यूनिवर्सिटी पंजाब ते चंडीगढ़ विच जाना पएगा, उत्थे अवेलेबल है, गुरु नानक च अवेलेबल नहीं है। नैक्सट है सर के बी एच जनरल पंजाबी इंग्लिश हिस्ट्री इकनोमिक्स पब्लिक एड, हिस्ट्री इकनोमिक्स पब्लिक एड तीनों सोशल साइंसिज पढ़िया हुई हैं, जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट मेरी एम ए सोशियोलॉजी की है, बी ए एम ए दोनों पंजाबी यूनिवर्सिटी तो, ये मैं जवाब दे चुका हाँ ये भी दूसरे वीडियो विच। चलो इकनॉमिक तुहाडा एस एस टी पक्का बन रहा है, ये नहीं छड्डना। ओके, दूसरा तुहानू लैंग्वेज ही लेना पएगा, लैंग्वेज वो इंग्लिश भी लै सकते हो, बी ए का एडिशनल देना पएगा, जे पंजाबी लेंदे हो बी ए का एडिशनल देना पएगा, उस तो बाद तुसी एलीजिबल टी जी टी लिए गवर्नमेंट जॉब लिए बन जाओगे। एम ए तुसी कीती हुई है, एम ए सोशियोलॉजी, इहदा फायदा तुहानू कोई नहीं होएगा टीचिंग जॉब विच। जे तुसी पंजाब ते चंडीगढ़ चो सोशियोलॉजी दी नहीं, फायदा नहीं होएगा। सो इन्हां दे आधार पर ही तुहानू सोचना पएगा, मैं दूसरे वीडियो च डिटेल च तुहाडा आंसर दिता होया है राजे। नैक्सट है वाह सर करता ना फिर डिलीट कमेंट, चैनल बंद कर दो, अपना नहीं रिप्लाई करना। सॉरी भी मैं किसी नूं भी हर्ट नहीं करना चाहता, पर ये मेरे ख्याल
कोई पंजाब पुलिस है मैनू कर रहे ने। सो मैं चैनल बंद करदा तां फिर जिहड़े जवाब दित्ते आ उहनां दा की होएगा। एक गलती नूं असीं सारिआं ते अपलाई कर सकते हाँ, कदे एक टाइम दे गुस्से तो जनरलाइज कर सकते हैं कि बच्चा गुस्से वाला ही होएगा, जे मेरे को गलती हुई है नहीं दे पाया मैं फिर इदा थोड़ी मैनू कहना है कि चैनल बंद कर देना है। तुहाडा की क्वेश्चन है मैं दे रहा हाँ, कितने मिस होया मैनू नहीं पता, मैं दिन रात लगा होया यार, वैरी सॉरी, जो भी हो तुसी सर मैडम वैरी सॉरी, मैं सॉरी मंग सकता हाँ। तुसी दोबारा क्वेश्चन लेटेस्ट भेज दिओ, मेरा मैं फोन नंबर दे रहा हाँ, फोन नंबर ते डायरैक्ट मैनू वट्सएप कर दो, तुहाडा वॉइस मैसेज ते मैं रिटर्न कर दांगा। 8427458843, ठीक बोलिया मैं, 8427458843, इस ते तुसी मैसेज कर सकते हो वॉइस मैसेज, एमरजेंसी है तो फोन भी कर सकते हो, फिर मैं वापस कर लाँगा। सो ये वीडियो हो गए ने, अगला भी एक देख लें हाँ। ये है किन्ने ने कमेंट, 13 ने, ज़्यादा हो जाएगा ना,